फिजिक्स मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा टफ लगती है। क्या रियली में नीट में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं क्या? देखो यार, एट लास्ट तुमको है ना फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या तो वो कॉन्सेप्ट से हो या तो वो कॉमन सेंस से हो। अगर तुम फिजिक्स में कॉमन सेंस लगाना सीख गए ना यार, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाती है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्षित कुमार, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि फिजिक्स के लिए पूरे एक साल का प्लान क्या होना चाहिए। और ये बात है ना कि जब मैं 11th क्लास में था तो पूरी 11th क्लास मेरी वेस्ट हो चुकी थी, और मैंने पूरी 11th क्लास में कुछ फिजिक्स नहीं पढ़ा था और मेरी फिजिक्स बिल्कुल जीरो लेवल पे थी। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उस जीरो लेवल से फिजिक्स को मैंने एक साल के अंदर 170 मार्क्स मैंने स्कोर किया था नीट 2022 के अंदर। तो मैंने किस तरह से जीरो लेवल फिजिक्स को 170 तक ले गया, तो आज की वीडियो में मैं वही जानने की कोशिश करूँगा कि एक ईयर का प्लान एक्चुअली होना क्या चाहिए तुम्हारा, जो कि मैंने किया था। मैंने कैसे किया था, अपने कुछ टीचर्स का लिया था, मैंने अपने से कुछ प्लान बनाया था, और वो क्या था वही आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, और ट्राई करना कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप ना हो पाए, और वीडियो का लास्ट भी तो एक बहुत ही बोनस टिप है वो तो जरूर सही देखना। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो यार, सबसे पहले बात, इवन इफ यू आर जीरो एट फिजिक्स ना, तो यू कैन ऑल्सो फॉर 160 या 170 प्लस नीट एग्जाम। ये मैं डेफिनेटली और गारंटेड कर सकता हूँ, क्योंकि भाई एक साल बचा हुआ है, और वन ईयर बहुत ही ज़्यादा होते हैं यार, बिलीव मी। ऐसा कुछ नहीं होता कि चार साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं मानता ही नहीं उनको, वो पढ़ ही नहीं रहे तो उनका कहाँ सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर तुम इस बात को फॉलो कर लेते हो ना जो मैं बता रहा हूँ, तब तो पक्का हो जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहला पॉइंट आता है, इफ़ यू ऑल थिंग्स डैट इफ़ यू कंप्लीट सिलेबस एंड मेन नोट्स टिल जनवरी फरवरी योर सिलेक्शन इज डन। तुम लोग को क्या लगता है ना कि मैं जनवरी फरवरी तक आते आते सारे नोट्स बना लूँगा, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, तो मेरी फिजिक्स हो गई? तो नहीं यार, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज यू हैव टू मेक ए मटेरियल विच यू कैन रिवाइज एटलीस्ट 10 times इन लास्ट डेज। मतलब तुमको लास्ट के दिनों में रिवाइज करने के लिए ऐसा मटेरियल बनाना पड़ेगा जिसको तुम बहुत बार रिवाइज कर सको, और तुम इतने मोटी मोटी नोट्स को तो बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, जो कि मस्ट होने वाला है। ऐसा काम नहीं चलेगा कि तुम किसी दूसरे के शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हो। हाँ, तुम दूसरे का शॉर्ट नोट्स एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो, जैसा कि मैंने बनाया था, जो मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर देता हूँ। और अगर तुम्हें इसका पूरा PDF चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन मैं और ये शॉर्ट नोट्स बनाने वो हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद बनाने। ऐसा मत करना कि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका शॉर्ट नोट, दो हुआ उसका शॉर्ट नोट, नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही शॉर्ट नोट बनाना। और उसके क्या करोगे, उससे तुम फास्ट रिविजन कर पाओगे और रिकॉल मोर रिमेंबर्ड ऑफ फॉर्मूला, जिससे तुम जितना बार याद करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें याद रहेगा। सिंपल सी बात है। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, इफ़ यू थिंक आई प्रैक्टिस ईच एंड एवरी फार्मूला ऑफ DBPs मॉड्यूल PYQs देन सिलेक्शन इज डन, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने DBP के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मैंने पूरे PYQ सॉल्व कर लिए, मैंने पूरे मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखो यार, ऐसा भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हें ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे पास जिसको तुम सॉल्व कर सको। इसका एक ही सोल्यूशन है कि स्टार्ट मार्किंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ यू आर सॉल्विंग मॉड्यूल या DBP। मतलब जब भी तुम मॉड्यूल या DBP सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा रहता है ना, तो जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं बने तो उसको तुम स्टार मार्क ऐसे लगा लिया करो, जिससे तुम अगर दोबारा सॉल्व करने उसको जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हारे पास इतना समय बिल्कुल नहीं होने वाला कि तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, तो उस टाइम पर तुम्हें उन सिलेक्टेड या स्टार मार्क क्वेश्चन को ही बस सॉल्व करने हैं, जिससे तुम अपना टाइम सेव कर पाओगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि रिसोर्सेज और बुक्स के बारे में। तो रिसोर्सेज अगर तुम ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हो तब या और तुम समझ भी पा रहे हो तब बहुत ही वेल एंड गुड है। ऑफलाइन तुम प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास में समझ में चीजें आ रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कंडीशन बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है। मैंने खुद कोटा में फेस किया था, काफ़ी स्टूडेंट थे ऐसे। तो अगर तुम्हें तब ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन शिफ्ट हो जाओ। मतलब तुम किसी टीचर को फॉलो करने लगो, लाइक MR सर हो गए, अलग सर हो गए, जो फिजिक्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और उन पर तुम बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, ये जो मटेरियल पढ़ा रहे हैं ना, उससे तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो एट लास्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए, चाहे तुम किसी का भी लेक्चर देखो, PW का देखो, Allen का देखो, आकाश का देखो, अनअकैडमी का देखो, क्योंकि यहाँ पर तुम वो मत करो कि PW इज बेस्ट, Allen इज बेस्ट, आकाश इज बेस्ट। देखो, जो चीज़ तुमको सूट करता है वो बेस्ट है, एज सिंपल एज डैट। अगर किसी को आकाश का लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसके लिए वो बेस्ट है, अगर किसी को PW पसंद आ रहा है तो उसके लिए PW बेस्ट है। तो तुमको जो समझ में आए उसका लेक्चर देखो, डोंट फॉलो anyone। अब बुक्स के लिए बात की जाए तो बुक्स के लिए मॉड्यूल या DBP करो जिस कोचिंग में तुम इनरोल्ड हो। उसके अलावा PYQs तो मस्ट है यार, मतलब PYQs की इंपॉर्टेंस तुमको मैं क्या बताऊँ। ये तो तुम मेरे जो फिजिक्स वाले प्रीवियस वीडियोज है जो मैंने नीट 2024 के लिए बनाई थी, उसको तुम जाकर देख लेना। और अगर टाइम तुम्हारे पास ज़्यादा मिल रहा हो, लाइक अगर तुमने ये दोनों पहले से सॉल्व कर रखे हो और टाइम ज़्यादा हो, तो तुम DC Pandey भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा DC Pandey सॉल्व
सॉल्व करने को। अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट जो लोगों का था, वो था शुड आई मेक नोट्स। देखो ये पॉइंट अच्छे से समझना, अगर तुमने पहले नोट्स बनाए हुए हैं तो और तुम्हें मतलब वो अच्छी तरह से याद नहीं है या तुम्हें बस कुछ कुछ चैप्टर याद है तो तुमको एटलीस्ट उन चैप्टर के तो नोट्स बना ही लेने हैं जो तुमको अच्छी तरह से नहीं याद है। लेकिन अगर तुमने नोट्स बनाए हैं और तुम्हें वो अच्छी तरह से याद भी है और बहुत अच्छी तरह समझे हुए, तब नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, अगर वो नोट्स तुम्हें अच्छी तरह समझ में नहीं आए बस तुमने नोट डाउन कर लिया है तो प्लीज़ 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 नोट्स बना लेना यार, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना नोट्स के तुम लास्ट टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी तक अगर तुमने नोट्स ही नहीं बनाए ये तो बहुत ही अलग पॉइंट हो गया, तब तुमको बिल्कुल नोट्स बनाने या ऐसा मत सोचना कि बिना नोट्स से काम हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स से काम हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होने वाला, फॉर्मूला शीट से काम नहीं होता। तुम्हें एक बार तो एटलीस्ट बिल्कुल फुल फॉर्म नोट्स बनाने पड़ते ही है, तभी सिलेक्शन होता है। नोट्स बनाओ और जस्ट फोकस ऑन राइटिंग की पॉइंट्स। ये ट्राई कर सकते हो कि बस की पॉइंट्स को लिखो, पूरा मतलब पैराग्राफ मत लिखो, मतलब टीचर जैसा लिखा रहा है उसमें से जो की पॉइंट्स तुम्हें लगे, कुछ की क्वेश्चंस लगे। जैसे लोग मेरे से पूछते हैं भैया मैं कौन से क्वेश्चन को नोट्स में ऐड करूँ, क्या सारे क्लास के क्वेश्चन को नोट्स में ऐड कर लूँ क्या? नहीं, सारे ऐड नहीं करने होते। देखो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, मान चलो ई इक्वल टू HC/λ, अगर तुम्हारा कोई ये फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला का अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि लैम्डा निकालना है और एनर्जी तुम्हें दी गई है, तो मेरे ख्याल तुम बताओगे क्या इस क्वेश्चन को ऐड करना सही होगा क्या? अरे क्यों सही होगा यार, मतलब जो क्वेश्चन पहले से ही मतलब बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है उसको क्यों ऐड करना, वो तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। तो उन क्वेश्चन को ऐड करना जो थोड़े से अलग टाइप के हो, जिसके वर्डिंग कुछ अलग हो, तुम्हें वो समझ में आ जाएगा, टीचर उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दे, बस उस क्वेश्चन को ही नोट्स में ऐड करना। अब बात करते हैं नॉट नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। अब बोल रहे हो भैया ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसा क्योंकि सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना? तो देखो यार मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन को या चीज़ों को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। तुम सारे चीज़ के करने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होगा और फिर लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और कॉन्फिडेंस डाउन होगा और एग्जाम अपने आप ही खराब चला जाएगा। कॉन्फिडेंस अप रखना एग्जाम में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होती है, अगर तुमने वो कर लिया ना यार तो एग्जाम तो अपने आप ही क्लियर हो जाता है। तो देखो क्यों, क्योंकि जस्ट सॉल्व एक्सरसाइज 1 या 2 या सेक्शन ए या बी। अगर तुम एलन से सॉल्व कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1 और 2 होगा, सेक्शन ए बी किस में होगा, आकाश से होगा। तो तुम जहाँ सॉल्व करो बस ए बी या 1 2 करो। एक्सरसाइज जो सी है या मतलब थर्ड वाला जो सेक्शन होता है वो बस उन लोग के लिए है जो मतलब बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 170 या 180 नंबर तक, वो सब कर सकते हैं बस। और नॉट नीड टू सॉल्व ऑल द सेक्शन सी या एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन, बस कुछ क्वेश्चन को कर सकते हो, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए जो तुम्हें थोड़े टफ लगते हो, या मॉडर्न फिजिक्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसके लिए तुम कर सकते हो। अब बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, डेली टाइम टेबल भैया क्या होना चाहिए। तो देखिए यार तुम्हें तुम्हारे पास 2 घंटे के लेक्चर होने वाले हैं, उसको तुम 1.5x की स्पीड पे देखना, और तुम अगर नोट्स भी बनाओगे साथ में तो अगर तुम दोनों काम करते हो तो मेरा मानना है 2 घंटे के अंदर लेक्चर डन हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करने का ट्राई करना यार, आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है लेकिन 2 घंटे के अंदर तुम इसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद 2 घंटे तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देना है भाई, ये जरूर से करना यार। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना यार, फिर तुम वही मिस्टेक करोगे और फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे और फिर तुम रोते हो फिरोगे भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो फील होता है, दुखी फील होता है कि यार तुम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तुम लोग 3-4 साल से मेहनत कर रहे हो, तो सही चीज़ फॉलो करो ना, और सही चीज़ तो मैं बताता ही हूँ इस चैनल पर। और उसके बाद हाफ आवर देना है रिवीजन के लिए। तो इस तरह से तुम डेली 4.5 से 5 घंटे तुम दे पाओगे फिजिक्स के लिए अपने 12 घंटे के सेल्फ स्टडी से। आई नो कि ये टाइम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा कि भैया 12 घंटे में से एक तरह से मैं अपना 40% टाइम फिजिक्स को ही दे रहा हूँ या उससे भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो हाँ यार स्टार्टिंग में तुम्हें फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, अगर तुम स्टार्टिंग में फिजिक्स को ज़्यादा टाइम नहीं दिया ना तो फिर लास्ट में आकर तुम्हारी फिजिक्स हो नहीं पाएगी, कि फिजिक्स इज द सब्जेक्ट विच यू कांट डू एट द लास्ट मोमेंट। तुम बायो को लास्ट में कर सकते हो, केमिस्ट्री को लास्ट में कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स लास्ट में कभी नहीं हो सकती। तो जस्ट डू दिस थिंग्स ओनली और बस काम हो गया, ऐसा और कुछ भी। तो यार यही थी इस वीडियो में, आई होप कि तुम लोग को इस वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो का लाइक कर देना, और इस तरह के रेगुलर कंटेंट के लिए या फिर जैसे मैंने फिजिक्स में बताई कि एक ईयर का प्लान क्या होना चाहिए, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू ऑल, बाय बाय।